तो फाइनली दोस्तों सीएफ मोटो भी अब अपनी बाइक्स को हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इसी सीएफ मोटो की ओर से आने वाली नई जो NK125 है इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि इस बाइक को कब तक हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, अगर लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग कितनी रहेगी, साथ ही साथ दोस्तों बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो इस बाइक का जो लुक है दोस्तों ये तो आप लोगों को किसी भी एंगल से 125 सीसी के जैसा लुक देखने को नहीं मिलता है। इस बाइक का जो लुक है दोस्तों ये आप लोगों को किसी 200 सीसी या फिर 250 सीसी बाइक जितना ही देखने को मिलता है। तो मतलब दोस्तों बाइक से जो है एक आप लोग को बिग बाइक का तो फील आएगा ही, साथ ही साथ बाइक से जो है आप लोग को रोड प्रेजेंट भी काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो लुक्स के मैटर में बाइक जो है बहुत ज्यादा तगड़ी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस बाइक के फीचर्स के बारे में तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को बहुत से अमेजिंग फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को फ्रंट पे प्रोजेक्टर का LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है कलरफुल डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है जिसपे कि दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और GPS के साथ जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे फ्रंट पे जो है USD सस्पेंशन के साथ रेयर पे आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है और साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ स्लीपर क्लच और सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है डुअल स्प्रे के साथ डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलता है। बात कर जाए दोस्तों अगर इंजन के बारे में तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को 125 cc की लिक्विड कूल्ड इंजन दी गई है जिसमें कि दोस्तों लगभग आप लोग को 15 bhp तक की पावर और 12.5 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है। जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 6 स्पीड गेयरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है जिससे कि जो माइलेज है दोस्तों ये लगभग आप लोग को 40 km/h के आसपास में देखने को मिलता है। प्राइसिंग वगैरह के बारे में दोस्तों अभी कंपनी की ओर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इस बाइक की प्राइसिंग कितनी रहने वाली है। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से इस बाइक का जो प्राइस है ये क्या कुछ होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। बात कर जाए दोस्तों अगर लॉन्च के बारे में तो अभी फिलहाल तो दोस्तों कंपनी ने इस बाइक का कॉन्सेप्ट मॉडल को ही दिखाया है, लेकिन दोस्तों फिर भी कहा जा रहा है कि लगभग 2025 तक में जो है हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे ये बाइक लॉन्च हो सकती है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।